अच्छी बाइक एडवाइस करी थी जिसकी पूरी, यानी कि वो बाइक बहुत अच्छी थी जिससे कि मुझे बहुत इजी रहा। इट्स ऑलवेज द बाइक। और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम साइकिलिंग स्टार्ट की तो मुझे बाइक के गियर भी लगाने नहीं आते थे। तो आई थिंक लास्ट ईयर मुझे गौरव ने बताया था कि गियर इस तरीके से लगाते, इसका यूज ये है। तो थैंक्स फॉर गौरव एडवाइजिंग के लिए, और नई बाइक एडवाइस करी तो उसके लिए भी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट 15 डेज था, मुंबई से निकले थे, नई जगह थी, पता नहीं था कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, बट थैंक फॉर एम्पीरियंस साइकिल सेंटर शमीम शेख जिन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज किया, और थैंक फॉर शिव सेना जो सपोर्ट में आया मेरे, जिन्होंने मुझे मेरे यानी कि इवेंट्स को लिया, और दो दिन के अंदर उन्होंने सारे जितने भी मंत्रिमंडल थे, जितने भी उनकी पॉलिटिशियन लीडर्स थे, उनको इन्फॉर्म किया और वो आए। और सबसे बड़ी चीज़ हार्ले बाइक्स का ग्रुप था तो वो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको इन्फॉर्म हुआ। ठीक से बताओ, हार्ले वाला? हार्ले वाला आए थे। ऐसा ये था कि उनका भी इवेंट था और उनको आई थिंक रात को इन्फॉर्म हुआ था कि कल दिल्ली मुंबई में कुर्ला वेस्ट में इवेंट है, तो उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट करी कि मानसो को आधे घंटे रोक के रखना। तो एक्चुअली क्या मैं लेट हो गया था आधे घंटे ट्रैफिक के चक्कर में, तो उनका भी एक्सपीरियंस था, उन्होंने आधे घंटे वेट किया और अपना कुछ बाइक्स के साथ उन्होंने स्टंट वगैरह किए वहाँ पर, अच्छा लगा। नो, कल रात को ही रोड में मैं आगे था मैम, पीछे 10 हार्ले, मजा आ गया। अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो मान लिया मिनिस्टर पार्लियामेंट है, वो भी मेरे साथ थे और उन्होंने सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 15 डेज शुरू का, 3-4 डेज काफी हार्ड था, इंक्लाइन रोड काफी था मुंबई से, तो एवरेज स्पीड ज्यादा ठीक नहीं थी, 12 घंटे रोड पे थे, 7-8 घंटे कंटिन्यू राइड करना, तो 100 किलोमीटर निकालना काफी टफ था। उसके बाद तो मेजर सिटीज में चलते रहे, तो अहमदाबाद में हमको यानी कि सपोर्ट मिला, अहमदाबाद से आई थिंक रघु ने हमको सपोर्ट किया, वहाँ से कुछ राइडर्स जुड़े, तो इस तरीके से जर्निंग अच्छी रही। इंजरीज थी, आज भी इंजरीज हैं, फीवर है, मेडिसिन लेके राइड किया, बट इट वॉज आर वेरी लवली एक्सपीरियंस। तो प्रॉब्लम आया आपको रास्ते में? कौन कौन सा मेजर सिटी कवर किया है? अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर, अजमेर और हिम्मतनगर। हिम्मतनगर एक बहुत छोटा टाउन है बट वहाँ से भी राइडर्स हमको मिले। उसके बाद अजमेर से फिर गुड़गांव में, जैसे जयपुर में भी आए, जयपुर से भी राइडर जुड़े। तो बट ये था कि अहमदाबाद में नेशनल साइकिलिस्ट जुड़े, उनके साथ राइड करके थोड़ा अच्छा लगा। पहले से पता होगा कि जयपुर में आई थिंक एक जने को 48 आवर्स पहले पता चला कि इस तरीके से इवेंट होना है, तो उसने अगले दिन ही एक स्टार्ट किया। और अजमेर में 2 घंटे पहले एक जने को पता चला कि इस तरीके का राइडर अजमेर पहुंचा है, तो उसने 1 घंटे के अंदर सारा प्रेस को इन्फॉर्म किया और सारी चीज़ों ने किया। तो वहाँ के लोकल लोगों का भी सपोर्ट था, बस एक कंप्लेंट उनकी थी कि मैं एक दिन स्टे करता हूँ, अगले दिन निकल जाता हूँ। रुक रुक के चला। तो थोड़ा उनका ये भी था कि आपको लोकल मीडिया को उधर कंफर्म करना था कि उधर का लोग आप बहुत अच्छा अवेयर कर रहे हो डिजिबिलिटी को लेकर, एक एनवायरमेंट को लेकर, बट नेक्स्ट टाइम देखेंगे और जनरल इलेक्शन पे जाएंगे तो और अच्छी तरीके से। बट थैंक फॉर यार, एक बार क्लैप होना चाहिए संगीता मैम। अभी नहीं बदल लूंगा मैम।